हेलो एंड वेलकम बैक इट अगेन विद यू ब्लॉग वीडियो। आज के ब्लॉग में समझिए ना कि आज के ब्लॉग में आपको पूरा एग्जॉटिक बर्ड्स कवर कराने वाला हूँ मैं। ये मैं प्रॉपर अभी वाड़ी में साई होटल के बैक साइड वाले एरिया में खड़ा हूँ। किसके यहाँ पे? शुभम भैया के यहाँ पे, जिन्होंने जो बर्ड्स का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पेट शॉप भी डाली है, तो करते पूरा कवर और जानते हैं उनसे कौन से बर्ड्स अभी अवेलेबल है और वो क्या क्या अवेलेबल करा दे सकते हैं, तो पूरा जानते हैं उनसे डिटेल्स। और आप भी पूरा वीडियो देखिए, जो भी एग्जॉटिक बर्ड्स लवर होगा पूरा वीडियो देखिए। अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, काफ़ी वैरायटीज के बर्ड्स हैं, कॉकटेल है, सन तनूस है, अपना लव बर्ड्स है, बजरी है, तो पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए और बेल आइकन भी ज़रूर इसलिए दबाइए ताकि जो आपकी पसंदीदार जो आपके पेट्स जो आपको पसंद होंगे वो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको सबसे पहले नोटिफाई होगा आपके मोबाइल पे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और शेयर करिए ये वीडियो उन दोस्तों के साथ में जो एग्जॉटिक बर्ड लवर हैं। तो देखिए पूरा वीडियो। तो वेलकम शुभम भी आपका यूट्यूब चैनल पर, तो आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए व्यूवर्स को। मेरा नाम शुभम है जी। मेरा रहना वाड़ी और नागपुर में है और मेरे शॉप का नाम है नागपुर एग्जॉटिक पेट्स। अच्छा, मेरे पास आपको एग्जॉटिक बर्ड्स सभी मिल जाएंगे, छोटे से लेके बड़ी वैरायटी तक। एक वैरायटी बता दीजिए ना, जैसा बजिस से कहाँ तक की आपके पास में वैरायटीज अवेलेबल रहती है? बजिस से लेके कनूर तक की सभी वैरायटी मेरे पास अवेलेबल रहती है। अच्छा, लेकिन उससे भी बड़ा अगर कुछ चाहिए आपको, एग्जाम्पल मकाऊ चाहिए, अमेजोन चाहिए या फिर कोकाटो, इधर मकाऊ में डिफरेंट वेराइटीज आती है। हाँ। तो ऐसी कुछ ब्रीड होती है जो ट्रेन होती है लेकिन काफी कॉस्टली होती है जी। अगर किसी को चाहिए तो हम ऑर्डर पे वो भी बुला देंगे आपको। बिल्कुल। हाँ, और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कहीं भी डिलीवरी चाहिए तो इजिली हो जाएगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा, जो भी है एरिया के ऊपर डिपेंड पड़ेगा। बाय ट्रेन होगा ट्रांसपोर्टेशन या बाय बस होगा? वो प्लेस के ऊपर डिपेंड है। जो भी है, काफी लोग हैं जो बाय ट्रेन भी हमारे पास खुद आके लेके जाते हैं जी। तो अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप खुद आना चाहते हो तो खुद आके भी लेके जा सकते हैं। तो आपका एक कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए व्यूअर्स को। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8928464948 और एक नंबर है 8668958210। दोनों व्हाट्सएप है ये? दोनों व्हाट्सएप है। जो भी व्यूअर्स को कुछ भी पसंद आता है अभी ये वीडियो को देख के या आपको ऑर्डर करना है तो प्लीज़ इनको कॉल या व्हाट्सएप करके इनको बता सकते हैं। तो क्या दिखा रहे हो आप सबसे पहले? सबसे पहले कॉकटेल दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कॉकटेल दिखाएंगे। कॉकटेल में अपने पास पर्ल वैरायटी है अभी, और पाइड में भी दिख रहा होगा आपको जो स्ट्रेट लाइन में है, पाइड वैरायटी है और ग्रे है ये जो नीचे बैठा हुआ है ग्रे। हाँ, ये ग्रे है, ऊपर में लेमन पर्ल है, पर्ल है। ये आपके जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये पाइड है और जो जाली को चिपक के बैठे है वो पर्ल है। इसमें कॉकटेल में काफ़ी सारी वैरायटी आती है, प्राइस जो रहता है वैरायटी के हिसाब से वेरी करता है, कम ज़्यादा सभी का वैरायटी होता है प्राइस। तो एक स्टार्टिंग प्राइस क्या स्टार्ट होती है इनकी? स्टार्टिंग प्राइस मिनिमम 3000 रुपये से होता है पेयर का। ब्रीडिंग या फिर पट्टे हुआ? नहीं नहीं, मिक्स रहता है, एडल्ट या सेमी एडल्ट। ब्रीडिंग पेयर तो बहुत कम मिलता है एक्चुअली, और वो भी मिलेगा तो कॉस्टली मिलेगा। हाँ, कॉस्टली मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गया कॉकटेल्स का। ये जो आपके वीडियो में दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे सिल्वर कलर जो है, इसे डायमंड डव कहते हैं। ये डायमंड डव है और उसके बैक साइड में जो दिख रहा है ग्रीन ब्लू कलर, वो नॉर्मल बजीज है। और डायमंड डव के बैक साइड में जो दिख रहे हैं आपको ऊपर ऊपर, हाँ, डायमंड डव के बीच में जो दिख रहे हैं और बजीज के बीच में, वो जावा स्पैरो है। जावा करके एक ब्रीड आती है स्पैरो, जावा स्पैरो, तो वो एक ब्रीड है जावा स्पैरो। ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है सिल्वर कलर का रेड चोच में, वो है जावा स्पैरो। और उसके बाजू में जो है वो नॉर्मल बजीज है अपने, ये सिल्वर कलर में डायमंड डव है जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। ये डाउज का भी कलेक्शन है। हाँ, तो डायमंड डाउ। ये डाउज क्या प्राइस से मिल जाते हैं आपके पास में? डायमंड डाउ सर प्राइस वेरी करता है, मिनिमम 1200 से 1500 के बीच में चलता है रेट पेयर। हाँ, कम ज़्यादा होते रहता है, कुछ प्राइस फिक्स नहीं रहता हमेशा इसमें तो। और ये जो बजेज आपने दिखाई, ये
भाई जी सर कलर के हिसाब से रहता है 400-500 रुपीज पेयर तक। ये हेलीकॉप्टर बजीज है, इसमें अपने पास सभी कलर अवेलेबल है। येलो फेस है, रेनबो है, वॉयलेट, ब्लू, टैंगल, सभी कलर में हेलीकॉप्टर बजरी अवेलेबल है। इसका प्राइस वेरी करता है कलर और एज के हिसाब से। 3,000 से 4,000 रुपये पेयर के बीच में हेलीकॉप्टर बजी जाता है। ये सभी ब्रीडिंग पेयर है अपने पास हेलीकॉप्टर के। इसमें सभी कलर अवेलेबल है अपने पास हेलीकॉप्टर बजीज में। हेलीकॉप्टर बजेज आपने दिखाया है, इनकी प्राइस क्या स्टार्ट होती है? हेलीकॉप्टर बजेज की जो प्राइस है वो 3,000 से 4,000 के बीच में आता है। 3,000 से 4,000 के बीच में। एज और उसका जो क्वालिटी है उसके ऊपर पेटल जो रहते हैं, फ्लावर जो होते हैं, उसके ऊपर उसका जो रेट है वो रहेगा। अच्छा। तो प्राइस बर्ड देख के ही रहता है, उसका जो क्वालिटी रहेगा उस हिसाब से प्राइस रहेगा उसका। अच्छा। और सेकेंड थिंग उसका एज क्या है, ब्रीडिंग पेयर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, सेमी एडल्ट एडल्ट थोड़ा कम में आ जाएगा। अच्छा। तो ये इनकी क्वालिटीज होती है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं दूसरे बर्ड्स का। ये अफ्रीकन लव बर्ड्स है, सभी रिंग वैरायटी के बर्ड्स है इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट कलर है। नॉर्मल ग्रीन फिशर है, ब्लू फिशर है, ब्लैक फिशर ही है इसमें, और पार ब्लू है। और यूविंग करके म्यूटेशन आता है उसमें, दो वैरायटी है, ग्रीन यूविंग है और एक वॉयलेट यूविंग करके है। सभी मिक्स वैरायटी के हैं, तो सभी कलर अपने पास अवेलेबल है अफ्रीकन में चाहिए तो। इनकी क्या प्राइस एक स्टार्ट होती है, और जो आपने बताया रिंग नेक, मतलब जो रिंग म्यूटेशन? रिंग इसमें अफ्रीकन में दो वैरायटी होती है। हाँ। एक रिंग वैरायटी होती है और एक नॉन रिंग वैरायटी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें सब रिंग वैरायटी है। अच्छा। इसे फिशर लवर भी काफी लोग कहते हैं। फिशर में सभी कलर्स अपने पास अवेलेबल है, और इसमें दो चार वैरायटी के म्यूटेशन भी है, किसी का अगर डिफरेंट कलर में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा अपने पास। अच्छा। तो मिनिमम 2,000 रुपये पेयर स्टार्टिंग है अपने पास। 2,000 रुपये पेयर से स्टार्ट है। रिंग वैरायटी। नॉन रिंग अगर है तो नॉन रिंग में अलग रहता है सर। अच्छा। फिलहाल अभी अपने पास नॉन रिंग है नहीं, जब नेक्स्ट टाइम रहेगा तो आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल, जब भी आपका भी आता है नेक्स्ट आपका स्टॉक तो बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। तो मैं एक न्यू जो पालने वाले हैं उनके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम जैसा भी एक कोई भी बर्ड पालना चाहते हैं तो कौन से बर्ड से स्टार्ट करें? देखो एक्चुअली बर्ड का पालने का ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको बर्ड पालना ही है, पहली बात तो आपको बर्ड का जो एक्सपीरियंस है उसके पास से आपको थोड़ा गाइडेंस लेना जरूरी है। अच्छा। जो भी बर्ड आपको पालना है, और सबसे पहली बात आता है कि आपकी बजट क्या है। अगर आपका बजट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़ा बर्ड भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिगिनर ही है तो बजीज लो, पॉकेट लो, अफ्रीकन लो। आप बड़ा बर्ड भी ले सकते हो, लेकिन आपको उतना बजट होना चाहिए। तो बिगिनर के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो कि एक्सपीरियंस बनता है उसके पास से थोड़ा गाइडेंस ले लें, जो भी बर्ड उसे पालना है उस बारे में। और सेकेंड थिंग उसका जो बजट है उस बजट के हिसाब से वो बर्ड ले। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यही बर्ड लो, सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो उस चॉइस के हिसाब से और कोई ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि पहले स्टार्टिंग में लोकल से ही खरीदे। हाँ, लोकल से ही खरीदे। और अगर बिगिनर है तो ओनली फिंचेस को थोड़ा अवॉइड करिए, जो कॉस्टली फिंचेस आती है। अच्छा। फिंचेस में आपने गोल्डन फिंच सुना होगा, ओल्ड फिंच आती है, लॉन्ग टेल फिंच आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस आती है। जो फिंचेस काफी सेंसिटिव बर्ड है, तो जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं आ जाता है तब तक फिंचेस को अवॉइड करिए थोड़ा, क्योंकि फिंचेस ऐसा है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसको प्रॉपर टेम्परेचर रख के मेंटेन करना जरूरी है फिंचेस को। अच्छा। पाइनएप्पल कनूर है जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ये रेड फैक्टर में है अपने पास पाइनएप्पल कनूर। और ये जो है काफ़ी अच्छे है, और इसका वॉइस उतना ज़्यादा नहीं होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कनूर का आवाज़ ज़्यादा होता है, तो जो कनूर का आवाज़ होता है वो सन कनूर है, इसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है। कनूर और सन कनूर में फ़र्क है? हाँ, ये जो है ये नॉर्मल पाइनएप्पल कनूर है जो कम रेट में आते हैं। सन कनूर जो है वो 35,000 to 40,000 तक आते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं सन कनूर। ये नॉर्मल कनूर है, 8,000 से 10,000 के बीच में इनका रेट रहता है।
तो ये आप इजीली घर पे पाल सकते हो, इसका कोई आपको इरिटेट नहीं होगा साउंड का, ये नॉर्मल आवाज करते हैं। अच्छा, तो काफी दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। अच्छा, तो शुभम भाई जैसे कि मेरे को इनके पाँव में रिंग दिख रही है, हाँ, तो ये क्या सीन है इनका? रिंग का एक्चुअली हम रिंग इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो इसके लिए हम बर्ड्स के पैर में रिंग डाल के DNA कराते हैं, इनका फेदर सैंपल निकाल के DNA लैब में भेज के। तो ये अपने नागपुर में है क्या? DNA आपको अगर करना है तो पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, इधर हैदराबाद आपको भेजना पड़ेगा सैंपल बाय कुरियर। बाय कुरियर? हाँ, तो वो DNA हो के आ जाता है रिपोर्ट? हाँ, बाय रिपोर्ट मोबाइल पे आ जाएगा आपके। ये है आप जो देख रहे हैं, इसमें येलो साइडेड कलर है और ग्रीन चीट कलर है। ये जो वीडियो दिख रहा है, वीडियो में आपको दो बर्ड मिलेंगे, एक येलो साइडेड और एक ग्रीन चीट कनूर है। ये भी सेम रेट है, 8 से 10 हज़ार रुपये पेयर के बीच में आते हैं। फिर DNA आएगा मेल फीमेल कन्फर्म इसमें, और आप क्वालिटी ले सकते हैं, बर्ड्स का काफ़ी हेल्दी है और एक्टिव भी बर्ड्स है सभी अपने को, तो आपको क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा हमारे पे। तो ये इसका एक बजट बता दीजिए कि क्या बजट में ये अवेलेबल होता है? कनूर 8 से 10 हज़ार रुपए के बीच में आएगा, ये येलो साइडेड और ग्रीन चीट कनूर है ये। अच्छा, हाँ, तो प्राइस कम ज्यादा होते रहता है, फिक्स नहीं रहता प्राइस का भी। अच्छा, तो इसकी कोई खासियत जो आपके मतलब आपको लगती होंगी इसकी? ये नॉर्मली इसका जो वॉइस है वो इरिटेट नहीं करता है जनरली। अच्छा, मेन जो है इरिटेशन नहीं होता है। हाँ, तो लोग इसी वजह से इसको पसंद करते हैं, और ये हैंड टेम काफी इजीली हो जाते हैं। लेकिन बेबी लेना पड़ता होगा ना? हाँ, उसके लिए बेबी लेना पड़ता है, तो हैंड टेम भी इजीली हो जाते हैं और काफी एक्टिव रहते हैं, इसमें कोई बीमारी का उतना प्रॉब्लम नहीं है, काफी हेल्दी और कोई भी क्लाइमेट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये ओरिजिन कहाँ की है? ओरिजिन ये सर न्यूजीलैंड अफ्रीका साइड में आता है वैसे तो। अच्छा, तो इसमें अभी कैसा है कि कनूर में म्यूटेशन काफी निकाला जा रहा है इसमें, तो अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये अवेलेबल हो रहा है वैसे तो। अपने इंडिया में तो ये लीगल है ना? हाँ हाँ, जो भी बर्ड आप देख रहे हो सब लीगल है, एक्सोटिक है। और पेपर्स वगैरह बोलो सब सब ये तो हाँ, आपको भी मिल जाएंगे बर्ड्स के पेपर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बढ़िया। लो बताओ आप जो अभी ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये अफ्रीकन लव बर्ड्स है, ये भी रिंग वैरायटी है बट ये सब कॉस्टली है। ये जो अफ्रीकन लव बर्ड दिख रहा है, इसमें आपको मिनिमम 5,000 रुपये पेयर से स्टार्टिंग है, और ये सभी के सभी ब्रीडिंग पेयर है। इसमें आपको वाइट बुल मिलेगा, अल्बिनो फिशर, पार्क ब्लू अपलाइन, लुटिनो फिशर, पार्क ब्लू येल्लो बुल, सभी वैरायटी के बर्ड्स है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे, ये रेड आई है, अल्बिनो फिशर, सब अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स अवेलेबल है। इनकी प्राइस के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। ये इसमें जो केज में आपको बर्ड दिख रहे हैं, ये सभी अलग अलग है, मिनिमम 5,000 रुपये पेयर से स्टार्टिंग है। ये जो केज में बर्ड दिख रहे हैं आपको इसमें, तो कहाँ तक प्राइस जो है कलर के ऊपर डिपेंड पड़ेगा, मिनिमम 20,000 रुपये पेयर तक है इसमें। 20,000 वाला कौन सा पेयर है? 20,000 में इसमें पार्क ब्लू ऑफलाइन यूजिंग है, ये जो मेरे हाथ के पास है, पार्क ब्लू ऑफलाइन यूजिंग है। ये हैंडटेम था इसलिए नजदीक आता है। अच्छा, तो ये वो कॉस्टली, इसके साथ में पेयर क्या लगाया हुआ? इसके साथ पार्क ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है जो बैक साइड में दिख रही है आपको, वाइट वाइट बर्ड के जो बाजू में दिख रहा है वो। अच्छा, जो लास्ट में दिख रहा है आपको पिक के ऊपर बैठा येलो के बाजू में, वो है पार्क ब्लू ऑफलाइन की फीमेल। और ये जो रेड आई दिख रहा है, ये लुटिनो फिशर है, सब ब्रीडिंग पेयर है ये, जो भी दिख रहे हैं आप। ये जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये गोल्डियन फिंच है, काफी खूबसूरत बर्ड है ये गोल्डियन फिंच। ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये फीमेल है। अच्छा, इसमें मेल जो है वो डार्क कलर में आता है और फीमेल लाइट कलर में आती है। तो जो वीडियो में देखा है आपने अभी, वो गोल्डियन फिंच का फीमेल है। इसमें फिंचेस में भी काफी वेरायटी आती है, और ये इसका गोल्डियन फिंच का प्राइस जो है वो 3,500 से 4,000 रुपये पेयर होता है। इसे ग्रीन गोल्डियन कहा जाता है, ग्रीन गोल्डियन फिंच करके।
बाकी ये भी काफी कॉस्टली बर्ड है ना। हाँ। ये तकरीबन क्या प्राइस में मिल जाता है? ये 3,500 से 4,000 रुपए कम ज्यादा प्राइस होता रहता है। लेकिन 3,500 से स्टार्टिंग होती है इनकी? हाँ। या फिर 4,000 से होती है? नहीं नहीं, मिनिमम 3,500 आता है, कभी कभी थोड़ा कम रेट भी आ जाता है। प्राइस वेरी करता है प्रोडक्शन के ऊपर कभी भी। भैया एक जो ये बर्ड दिखाया है काफी अच्छे वैरायटीज के बर्ड थे, अब मुझे इनके बारे में थोड़ा सा फीडिंग के रिलेटेड बताइए आप कुछ नॉलेज। मैं आपको अभी एक सीड दिखाने वाला हूँ जो काफी कॉस्टली है। ये है कैनरी सीड, ये कैनरी सीड है, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा। हाँ, ये मोस्टली इसका मलेशिया से इम्पोर्ट होता है, वर्सिलागा कंपनी का कैनरी सीड है ये। अच्छा, वर्सिलागा हर एक प्रोडक्ट का कॉस्टली है। ये लगभग समझ लो 300 रुपए किलो के करीब पड़ता है। अच्छा, काफी मिक्स सीड दिख रहे हैं इसमें। ये कनूर का मिक्स सीड है, कनूर का, कनूर से लेके बड़ा जो बर्ड आता है उनके लिए दे सकते हैं। इसमें लगभग 20 से 22 वेरायटी का सीड मिक्स रहता है। अच्छा। और ये बड़े बर्ड्स के लिए स्पेशली काफी अच्छा होता है। ये है लारा। हाँ, एक्चुअली राला में दो वेरायटी आता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मोटा राला कहते हैं इसको। अच्छा। मोटा राला एक्चुअली काफी अच्छा होता है, ये पूरा सॉलिड होता है। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बारीक राला है, ये काफी सस्ते में मिल जाता है, बट इसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसमें एक्चुअली आपका जो छिलका है वो बहुत ज्यादा निकलेगा। ये नॉर्मल बर्ड्स के लिए, जैसा कि आप ये जावा को दे सकते हैं, बजरी को, कॉकाटेल को, अफ्रीकन लॉबर्ड जो है, या नॉर्मल बिग साइज जो फिंचेस आती है उनके लिए। ये नॉर्मल बर्ड्स के लिए है, ये मिक्सीड है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी लगभग 10-12 वेराइटी का सीड मिक्स रहता है, तो इसमें भी बर्ड्स को देने से अच्छा खासा प्रोटीन इससे कवर हो जाता है बर्ड्स का। तो ये आप नॉर्मल बर्ड से छोटा मोटा तो आप उनको मिक्सीड ये खिला सकते हैं। तो बाकी जो मेंटेनेंस रहता है जो भी अपने बर्ड्स का है, वो मेडिसिन के भी ऊपर में रहता है या फिर नॉर्मल फूड के ऊपर ही रहता है? देखिए, एक्चुअली आपको मेडिसिन तब तक यूज नहीं करना है जब तक बर्ड कोई आपका बीमार नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप प्रॉपरली बर्ड्स को फीड मिक्स और जो भी प्रोटीन के लिए जरूरतमंद चीजें है, हाँ, जैसा वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं, सांभर, तुलसी का पत्ता, पालक, पका हुआ चावल हो गया, भीगा हुआ जो भीगा हुआ चना, पुदीना के पत्ते हो गए, और स्वीट कॉर्न जो अभी बारिश में अपने को मार्केट में मिलता मिल जाएगा इजीली। और बीट होता है, बीट छिल के डाल सकते हैं आप बर्ड्स को, मोट होती है। तो नॉर्मली घर का ही देना है? नॉर्मली घर का अगर आप खाना अच्छे से फ्रेश खिलाते हो, हाँ, तो बर्ड उससे बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको मोस्टली किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ताकि उससे ही आपका मोस्टली जो प्रोटीन है वो कवर हो जाता है। का ब्रीडिंग सीजन कब होता है? मेन जो ब्रीडिंग सीजन होता है, हाँ, वो कब होता है इनका? मेनली बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो लगभग जुलाई महीने से बारिश से स्टार्ट, मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा अगले, हाँ, महीने से, जुलाई महीने से लेके लगभग फरवरी से मार्च तक चलता है ब्रीडिंग सीजन। अच्छा, जो काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है शुभम भाई ने, तो व्यूअर्स फॉलो करिए और कॉन्टेक्ट करिए इनसे। यही वीडियो को एंड करते हैं।